दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे महंगी इमारत कौन सी है, अरे नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है, वो तो महज 3000 करोड़ में बनके तैयार हो गई थी। अगर भारत की सबसे महंगी इमारत देखी जाए तो वो है हमारे मोटा भाई यानी मुकेश अंबानी जी का घर एंटीला, जिसकी कीमत 14000 करोड़ है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी इमारत है जिसकी कीमत 7,50,000 करोड़ है? अरे चौंकिए नहीं, ये सच है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो इमारत कौन सी है। चलिए बात करते हैं दुनिया की 10 सबसे महंगी इमारतों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस, ब्रुनई। ये घर है ब्रुनई के सुल्तान का। इस्ताना नूरुल ईमान को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े राज्य के प्रमुख निवास के रूप में शामिल किया गया है। वास्तव में यह दुनिया का सबसे बड़ा महल और शाही निवास है। ये विशाल शाही आवास वर्साई के पैलेस और लंदन के बकिंघम पैलेस से कई गुना बड़ा है। इसका एरिया करीबन 2,00,000 स्क्वायर मीटर का है। यह पैलेस ब्रुनई के सुल्तान हसनल बोलकैया का घर है। यह महल ब्रुनई की राजधानी से कुछ किलोमीटर दक्षिण में ब्रुनई नदी के किनारे स्थित है। इस्ताना नूरुल ईमान सुनहरे गुंबदों और मीनारों के साथ एक विशाल सफ़ेद महल है। इसको 1984 में ब्रिटेन से ब्रुनई को आज़ादी की खुशी में बनाया गया था। इसको बनने में करीबन 2 साल लगे। जब ये बनके तैयार हुआ तो इसकी कीमत करीबन $1.5 बिलियन थी और आज की तारीख में इसकी वैल्यू है 24,750 करोड़ रुपये। नंबर 9, विन रिजॉर्ट लॉस वेगस USA। ये लॉस वेगस USA का एक शानदार होटल है। 2005 में जब वैन खोला गया तो ये लॉस वेगस की सबसे ऊंची इमारत थी। इस होटल में 2700 से भी ज्यादा कमरे हैं और 45 मंजिलें हैं। इसमें कन्वेंशन सेंटर, रिटेल और एक कैसीनो भी शामिल है, और यहाँ पर 3 एकड़ में फैली हुई बड़ी सी झील भी है। 2005 में विन का निर्माण $2.7 बिलियन पे हुआ और आज की तारीख में इसकी वैल्यू है 27,000 करोड़ रुपये। नंबर 8, इमीरेट्स पैलेस अबू धाबी। ये अबू धाबी का एक बहुत ही लग्जरियस होटल है। अगर लास वेगास के होटल से कंपेयर किया जाए तो इसमें हजारों कमरे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 394 कमरे हैं, 92 स्वीट्स है और 22 रेसिडेंशियल स्वीट्स है। यहाँ आपको सौरोवस की क्रिस्टल झूमरों से लेकर 1.5 लाख क्यूबिक यार्ड में फैला हुआ बेशकीमती मार्बल, 2 स्पा सेंटर्स, 40 मीटिंग रूम्स, करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा प्राइवेट बीच, मरीना, 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड्स और एक बॉलरूम जिसके अंदर 2500 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स और कई सारे ब्रांडेड शॉप्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये 2005 में $3 बिलियन की लागत से खोला गया था और ये उस वक्त दुनिया का सबसे महंगा होटल भी था, और आज की तारीख में इसकी वैल्यू 28,500 करोड़ है। नंबर 7, पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट बुचारेस्ट रोमानिया। ये रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट में बनी रोमानियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो करीबन 3,65,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली हुई है। इसका काम सन 1984 में शुरू हुआ और पूरे 13 साल के बाद 1997 में ये बनकर तैयार हुई, जिसको बनाने में करीबन 700 आर्किटेक्ट्स की टीम ने काम किया, और ये दुनिया की सबसे महंगी पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 29,250 करोड़ है। नंबर 6, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क USA। यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी ऊंचाई 1776 फीट है और इस बिल्डिंग में 104 मंजिलें हैं। ये 2004 में बनकर तैयार हुई थी और आज की कीमत इसकी 30,750 करोड़ है। नंबर 5, द कॉस्मोपॉलिटन लॉस वेगस USA। ये लॉस वेगस USA का एक लग्जरी रिजॉर्ट और कैसीनो है, जिसमें करीबन 3,027 कमरे, कैसीनो, स्पा, 3200 सीटर का एक थिएटर, नाइट क्लब्स, डे क्लब्स और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। इस बिल्डिंग की हाइट 184 मीटर है और इसकी आज की वैल्यू 33,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4, एप्पल पार्क कुपरटिनो USA। आपने एप्पल कंपनी का नाम तो सुना ही होगा और शायद आप उनके कोई ना कोई प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर दुनिया का 4th सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन है? जी हाँ, एप्पल कंपनी का कुपरटिनो कैलिफोर्निया स्थित हेडक्वार्टर, जो कि एप्पल पार्क के नाम से जाना जाता है, इसका एरिया 175 एकड़ का है, जिसमें 12,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, और इसके बनने में खर्च आया था 37,500 करोड़ रुपए। तो अब आपको पता चला ना एप्पल के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं। नंबर 3, मरीना बे सैंड सिंगापुर।
मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का 55 मंजिला एक लग्जरी होटल है, जिसे सिंगापुर की सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जहां सिंगापुर का नाम आएगा वहां इसकी फोटो जरूर दिखाई जाती है। यहां का सबसे मशहूर है टॉप फ्लोर पर बना इन्फिनिटी पूल, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्फिनिटी पूल्स में से एक है। यहां पे आपको लग्जरी मॉल्स, ऑब्जर्वेशन डेक, इंडोर वाटरफॉल, आर्ट साइंस म्यूजियम और कई नाइट क्लब्स भी देखने को मिलेंगे। और इस जगह की आज की वैल्यू है 86,500 करोड़ रुपए। नंबर दो, अब्रज अल बैत मक्का। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग अब्रज अल बैत क्लॉक टावर सऊदी अरब के मक्का शहर में है और इसकी ऊंचाई 1971 फीट है। इस बिल्डिंग में 120 मंजिलें हैं और ये 2012 में बनके तैयार हुई थी। खास बात तो यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसमें एक क्लॉक फेस है, और ये दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग भी है जिसकी आज के टाइम में कीमत 1,20,000 करोड़ है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि 1,20,000 करोड़ रुपए तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे नंबर वन को देखकर तो आप हैरत में पड़ जाओगे, क्योंकि नंबर वन की वैल्यू अब्रज अल बैत से कई गुना ज़्यादा है। जी हाँ, अब बात करते हैं नंबर वन की। नंबर एक, मस्जिद अल हरम मक्का। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जिसको द ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का भी कहते हैं। जी हाँ, इसी स्थान पर मुस्लिम हज के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। मक्का की ये द ग्रेट मॉस्क वैसे तो कई सदियों से मौजूद है, लेकिन इस जगह के रेनोवेशन के बाद इस जगह का एरिया ऑफ फैसिलिटीज काफ़ी बढ़ाई गई और नया कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हुआ। बनने के बाद इस मस्जिद का एरिया 99 एकड़ का हो गया और हज के दौरान यहाँ एक साथ 40 लाख हाजियों को एक समय में हज करने की सहूलियत प्रदान करता है। इसकी टोटल वैल्यू 7,50,000 करोड़ रुपए है और ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे वैल्यूएबल कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे बुर्ज अल अरब, तपाई 101, जिसके अंदर अरबों खरबों रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह की और वीडियो जो हमने भारत के शहरों और दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर बनाई है, ये वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें दुनिया के 10 सबसे महंगे कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।